हमारे जैसे भिखारी, हमारे जैसे आदिवासी, हमारे जैसे वनवासी, हमारे जैसे गिरवासी से मिलने के लिए राम चल देते हैं, क्योंकि आज जंगल के खजाने को लूटा जा रहा है। लूट कर पैसा, चाहे अभिनेता हो नेता हो, बटोर रहा है, बटोर भाई तोड़ कर जाना पड़ेगा। इतना बटोरेगी लेकर नहीं जाएंगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा तो ज्यादा जुटाकर तो चक्कर में पड़े हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा, तो अपने खजाने का सदुपयोग करो। अपने खजाने का सदुपयोग करो, अपने खजाने के पैसे को सेवा में लगाओ, परहित में लगाओ, परोपकार में लगाओ। ये सब कब समझ में आएगा? जब आप अपने अंदर जाएंगे, अपने में झांकेंगे, झांकिए झरोखे से अंदर जाइए। झरोखा आपका श्रवण द्वार है। आप झरोखे से झांकेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरा धनुधर राम, मेरा कृपालु राम, मेरे प्रसन्न जीवन, मेरे करुणा करने वाला राम मेरे पास आ रहा है। प्रसाद ले महाराज, प्रसाद ले। तुम्हें करुणा करने वाला राम मेरे पास आ रहा है। राम को आप जान जाइए, राम का नाम ही साधन है। और जो इस राम सुंदर, जो राम नाम के साधन को अपनाया ना, नाय पार हो जाएगी, नाय पार हो जाएगी, नाय देहा पार हो जाएगी, और नाय लग करके भैरव की भाव सागर से दूर हो जाएगी। हर महादेव भैरव की भाव सागर से दूर होने के लिए राम नाम की मणिया चलाना पड़ेगा, राम नाम का माला जपना पड़ेगा। राम ही सत्य है। आज सत्य आपके नगर में दिखाई दे रहा है। आए माताएं, आए, आपका बेटा भिखारी बुला रहा है, आपका भाई आपको बुला रहा है। आज यज्ञ नारायण का परिक्रमा करके अपने जीवन को सार्थक बना ले। आज यज्ञ नारायण का परिक्रमा करके जीवन को सार्थक बना ले। क्यों? कि फिर जड़ी बूटियों की यज्ञ, जब आप ओवरा के मनीषी, ओवरा के महान भाव, गृह संत ही महंत होते हैं, गृह संत ही महंत होते हैं, तो हमारे गृह ये परमात्मा की कृपा है। आप जागे तो सही, अपने आप को देखे तो सही, अपने आप को पहचाने तो सही। तो ये परमात्मा की मर्जी है, ये परमात्मा की कृपा है। आप सभी माताओं के चरण वंदन करता है भिखारी बाबा, सभी माताओं के, सभी बहनों के, सभी भाइयों के चरणों में, संत शिरोमणि संतों के चरणों में। आप ये संत जो है भिखारी बाबा के गले के माला, कैसे माला है? ये मोतियों की माला है। ये माला टूटने वाला नहीं है, ये माला बिखरने वाला माला नहीं है, क्योंकि संत के चरण में भिखारी बाबा है। आप सब लोग जानते होंगे कि आपके नगरी में जो महाकुंभ लगा है, एक कुंभ लगा है आपके द्वारा, आप कितना मेहनत किए हैं, कहां से कहां तक जाने के लिए हमारे जेपी भैया हनुमान का दर्जा, हनुमान के समान कार्य रहने वाले जेपी सिंह भैया को भी हम प्रणाम करते हैं। उनको जब कहा गया कि भैया आ जाओ, आ जाते थे। तो ये है महापुरुष। आज ये महापुरुषों का हम वंदन करते हैं, इन महापुरुषों को नमन करते हैं। आप धीरे 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 परिक्रमा करें। हमारे जो पुरुष है, इस जो चारों तरफ से बांस लाड़ा गया है,
उसके तरफ से करे। हमारे एक महात्मा कोई दिए महात्मा है सूरत में कागज इस व्यवस्थित के बगल में है, इसको जो है आप झाड़ू मार सकते हैं और यहाँ आकर इनाम ले ले। जो महात्मा झाड़ू मारे इनाम ले ले मेरे भाई, क्योंकि महात्मा आप हैं तो कल्याण करें। आए आपके चरणों में प्रणाम है भिखारी बाबा का। आप ये भगवान भोले बाबा आज आपके धरती पर प्रसन्न मुद्रा रहे हैं, आज मुस्कुरा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। आओ मेरी मैया, ध्यान पर कर्मा करें इसके बाद। आओ मेरी मैया, आओ मेरे भाई, आज परिक्रमा कर लो। आज परिक्रमा करके अपने जीवन को सार्थक बना लो। यही धन्य जीवन है, मानव तन आसान नहीं है। सभी मनुष्य जाते हैं, सभी महापुरुष करते हैं, और हमारी गाथा कौन गाता है? देवता गाता है कि बड़े भाग्य मानव तन, तो ये तन वास्तव में बड़े भाग्य से मिला है। क्यों मिला है? परहित करने के लिए मिला है, परोपकार करने के लिए मिला है, अपना पहचान बनाने के लिए मिला है। और जब तक आप पहचान नहीं बनाएंगे ना, तब तक गड़बड़ है। कल महाराज जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कहा कि संसार में बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं, दो है कि श्रेष्ठता बहुत बड़ी है। कौन है? परम के जनक विभूति सरकार ने कहा, एक संत जो है एक नगर में ओवरा की नगरी में चल रही है, ओवरा के धुलंधरों का था नहीं है। कितने धुलंधर है, कितने धुलंधर है भिखारी बाबा। 2001 से ओवरा के धरती पर भिक्षा मांग रहा है, मानक भीख भिखारी बा ओबरा के दयालु कृपालु दाता के दुआरी बा, मानत भीख भिखारी बा दयालु कृपालु ओबरा के दुआरी पर बा, सबके जानत बा लेकिन कहाँ भिक्षा मिलत बा, वही के पास भिखारी जात बा। आओ आओ अपनी सिद्धि कर इस महायुग के सफल बनाओ।